दोस्तों फाइनली Realme ने चाइनीज मार्केट में अपने Realme GT Neo 5 SE को लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको इंडियन मार्केट में भी बहुत जल्द दिखाई देने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ इसी स्मार्टफोन के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है, चाइनीज मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग रखी गई है, इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन कब तक आएगा, आएगा तो इसकी क्या कुछ प्राइसिंग होने वाली है। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी देने वाला हूँ Realme GT Neo 5 SE से रिगार्डिंग। तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। So without wasting any more time guys, let's get straight to the video. So दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Realme GT Neo 5 SE के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक 6.74 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जो आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा दिया गया है। सामने की तरफ जो आपको पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे जो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा दिया गया है। बैक की तरफ जो आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 64 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का, वही घिसा पीटा वाला पूरा एल्गोरिदम यूज करा गया है। एंड यहाँ पे जो आपको 55 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। एंड यहाँ पे जो आपको 100 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। प्रोसेसर यहाँ पे यूज करा गया है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 2 वाला, नो डाउट बहुत बड़ा पावरफुल चिपसेट है। एंड यहाँ पे जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, 3.5 जैक हां मिसिंग होने वाला है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड ये स्मार्टफोन जो है Realme UI 4 प्रेजेंट करता है, जो कि आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। तो ये रही स्पेक्स की कहानी यहाँ पे Realme GT Neo 5 SE की। अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, तो देखिए इंडियन मार्केट में तो ये स्मार्टफोन आने में भी टाइम है, जब इंडियन मार्केट में आएगा देन इंडियन प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल जो है चाइना प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, तो चाइनीज मार्केट में जो ये स्मार्टफोन मल्टीपल वेरियंट्स लॉन्च करा गया है। बट मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इसके बेस वेरियंट के बारे में बात करूंगा, जो कि निकल रहा है 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी जो प्राइसिंग है वो रखी गई है 2999 युआन। हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 1999 युआन आपको देख रहा है, बट ये जो आपको देख रहा है 1999 युआन, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, बाद में चलकर इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। बट जो कि एक्चुअल प्राइसिंग है वो है 2999 युआन, जिसको अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल आता है तकरीबन 25,000 रुपीज़। जी हाँ, 25,000 रुपये। तो आप मानकर चलिए कि जब ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आएगा तो 32,000 के आसपास आपको इसकी प्राइसिंग दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, 32,000 के आसपास आप इसकी प्राइसिंग एक्सपेक्ट करना। अब मैं आपसे इंडिया लॉन्च करें बात करूँ तो देखिए फिलहाल जो है कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक आएगा, बट आएगा जरूर। ये स्मार्टफोन जो है Poco F5, जी हाँ Poco F5 से भिड़ने आएगा, और बिल्कुल ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में बहुत जल्द दिखाई देने वाला है। हो सकता है कि 2 महीना के अंदर ये स्मार्टफोन जो हमें इंडिया मार्केट में दिखाई दे दे। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Realme GT Neo 5 SE से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।